दशहरा जो है ये एक्चुअली दशमुखी रावण के समापन का की वेला में मनाया जाता है। भगवान राम दोनों नवरात्रियों से जुड़े हैं, चैत्र नवरात्रि से भी। उनका जन्म होता है रामनवमी, वो होता है चैत्र नवरात्रि के समापन पर, और वो संहार करते हैं और विजयादशमी मनाते हैं। विजयादशमी मनाते हैं इस नवरात्रि के बाद, अश्विन नवरात्रि के बाद। राम और शक्ति दोनों का संबंध है, और दोनों हमारे देश में है, इसका हमें विश्वास है। भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला स्वरूप है, जब तक वो रहेगा तब तक हम मर्यादा में रह कर के अपने देश की रक्षा करते रहेंगे। हमारे सैनिक, हमारे राष्ट्रभक्त, हमारे सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग, अपने सर्जिकल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के माध्यम से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और करेंगे। अभी तो एक ही बार रावण के कुछ लोगों को मारा है, फिर रावण के कुछ रावण तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जो तीन तीन आतंकी वहां बैठे हुए हैं उनको भी नष्ट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष अपने आप को संयम में रखते हुए और सामने वाले की स्ट्रेटजी को देखते हुए नीति के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में, हमारे ही उत्तराखंड के अजीत डोवाल जो रक्षा सलाहकार हैं उनके साथ मिलकर के ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे कि ये जो बार बार का जो आक्रमण है, पिछले हम लोग 70 साल से हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूस हम लोगों को कश्मीर के नाम पर समस्या झेलनी पड़ती है। कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग अनावश्यक रूप से मारे जाते हैं, वह सब हमारे देश के बड़े अच्छे पद पर काम करने वाले सैनिक, अन्य सैनिक, और ये सभी देश की रक्षा करते हुए मारे गए। तो इन सभी शहीदों की श्रद्धांजलि सबसे बड़ी यही होगी कि हम कश्मीर को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें, और पूरी तरह से न केवल ले उसको कश्मीर को लें बल्कि पाकिस्तान को भी पूरी तरह से नष्ट करें। और ये रावण तभी मरेगा जब ये रावण के सारे के सारे भाई भतीजे जितने भी हैं, पूरा वंश है जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो समाप्त हो पूरी तरह से। उसको सहारा देने वाले चीन में बैठे हुए हैं, वो समाप्त हों, निश्चित रूप से समाप्त होगा, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये जो विजयादशमी है, ये विजयादशमी पर्व 9 दिन तक हम अश्विन नवरात्रि मनाया, हमने ज्ञान की महिमा पर 9 दिन तक डिस्कोर्स हुआ, मेरा प्रवचन हुआ, मैंने लेक्चर दिए और मैंने अपनी बात सुनाई 9 दिन तक। देवी का स्वरूप प्रत्येक दिन बदलता चला जाता है, और 9वें दिन आकर के वो एक बिल्कुल सिद्धिदात्री स्वरूप में आ जाती हैं। 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। रावण में सब कुछ था, रावण विद्वान था, बलशाली था, रावण सोने की लंका में था, रहता था, और रावण के पास इतना बड़ा खानदान था, बहुत सुरक्षित जगह रहता था, सिद्धियों से संपन्न था, उसने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था, इतना बलशाली था। अगर किसी के पास सामर्थ्य है, अगर किसी के पास संपदा है और किसी के पास बल है, किसी के पास यदि बहुत धन भी है, तो भी अगर उसके पास सद्बुद्धि नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। उसके पास सद्बुद्धि नहीं थी, उसके पास अहंकार था, और वो आज जो हम मारते हैं वो हम रावण को नहीं मारते हैं, हम रावण के रूप में अहंकार को मारते हैं। अपने ईगो को हम नष्ट कर दें, अपना ईगो समाप्त कर दें, तो हमारे माध्यम से हम लाखों हजारों करोड़ों लोगों के अहंकार को समाप्त करके हम एक प्रकार से दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाते समय हम रावण को मारते तो हैं, पर रावण आपसे बार बार पूछता है कि भाई साहब, आप लोगों ने अपने ईगो को मारा कि नहीं, आपने अपने अहम को मारा कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। पर रावण जो है घर घर में है, आज हमारे घर में ही अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा दुराचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है। क्या ये रावण नहीं है जिसकी वासना, जिसकी कामना, जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई? आज व्यक्ति कितना ज़्यादा सांसारिक हो गया है। मैं बार बार तुमको लेक्चर में सुनाता हूँ कि इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, संसार और अध्यात्म। संसार जो है वो हावी हो गया है इस बुरी तरह से कि भगवान के बारे में, अपने बारे में, अपनी गुणवत्ता के बारे में, अपने अंदर की संपदा के बारे में, अपनी देवी संपदाओं के बारे में मनुष्य भूल गया है, और आसुरी संपदा हावी हो गई है। तो जिस दिन आसुरी संपदा हावी हो जाए, आप समझ लीजिए कि लंकापति लंकेश आपके अंदर आ गए,
और आपके अंदर आकर के उनकी सेना बैठ गई पूरी की पूरी। सबसे बड़ी सेना का जो पति है वो है लंकेश के रूप में अहंकार। अहंकार व्यक्ति को मारता है, अहंकार व्यक्ति को मारता है। हमारे देश में इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ और उसको सब लोगों ने पहले दिन दूसरे दिन सब ने सराहा, पर हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं या जितने भी ऐसे हैं जिनके पास बुद्धि नाम की चीज़ बहुत बहुत छोटी मात्रा में है, बहुत कम 10% 15%, ऐसे नेता लोग और ऐसे लोगों ने समीक्षा करना चालू कर दी, टीका टिप्पणी करना चालू कर दी और ये कहना चालू कर दिया कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मुझे क्या लगता है कि हमारे देश की रक्षा को और इलेक्शन को दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। कभी भी किसी को भी चुनाव की रणनीति बना करके देश की रक्षा सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा की जब बात आए सबको एक स्वर में एक साथ प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, रक्षा मंत्री का साथ देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो भी कदम उठाया गया वो सही उठाया गया। तो मित्रों, ये जो अहंकार है वो हमारा अहंकार ही हमसे गलत काम करवाता है। इस अहंकार को, ईगो को, ये कहा गया है कि ये सबसे बाद में जाता है, अहंकार जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। भगवान गीता में कहते हैं तो पापी से भी ज़्यादा अधिक पापी है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सभी पापियों से भी पापी है तो मैं तुझे ज्ञान की नौका में बिठा के पाप कर पार कर दूंगा। अगर अपिचेदसी पापेभ्य, तो पापी से भी ज़्यादा पापी है, अपिचेद से पापे सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि, मैं तुझे पार कर दूंगा। पर कब? जब आप अहंकार से अपने आप को विमुक्त करके ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज्ञान की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ज्ञान वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो अलग ज्ञान नहीं, या न्यूज़पेपर में आता है या पेपर में आता है, वो अलग ज्ञान नहीं है, मैगजीन्स में आता है और वीडियो में आता है और टीवी पे आता है, वो ज्ञान नहीं। ये ज्ञान वो है जो हमें अंतर जगत के बारे में, अंतरात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बताता है। यदि हम अपने अंतर जगत के भगवान को समझ लेंगे, राम अपना हमारे अंदर है, हमारे अंदर राम, हमारे अंदर ही रावण भी है। ये जो राम रावण रुद्ध है ये हमारे अंदर ही चलता रहता है। अंतर जगत का देवासुर संग्राम निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हमारा राम हावी नहीं होगा और हमारा ये रावण जो है नष्ट नहीं होगा। इस रावण का नाम है अहंता तृष्णा वासना, अहंता तृष्णा वासना। अहंता यानी बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा अहंकार, पैसे का अहंकार, बिल्डिंग का अहंकार, पद का अहंकार। तृष्णा यानी बहुत ज़्यादा पाने की होड़, बहुत ज़्यादा पाने की, इतना ज़्यादा कि जितना तृष्ण गुरुदेव ने लिखा है, तृष्णा की खाई चोड़ी से चोड़ी भी हो जाए तो कुबेर और इंद्र मिलके भी उसको पाट नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तृष्णा रावण की भी थी। और अहंता तृष्णा वासना, वासना उसको खींच के ले गई, परंतु ये तो अलग बात है कि तपस्वी था रावण, ब्राह्मण था, महापंडित था, उसने सीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, पर उठा के तो ले गया। किसी स्त्री को उठा के ले जाना बहुत बड़ा पाप है। अगर वो पाप आपने किया है और उस पाप के साथ साथ आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, तो सबसे ज़्यादा भयंकर क्या हुआ? अहंकार। तो आज के रूप में जो 10 जो सिर हैं, वो 10 के 10 सिर 10 दुर्गुणों के प्रतीक हैं, पर उन सब में उन सबसे बड़ा सिर है अहंकार का। उस अहंकार को हम नष्ट करें, हम समाप्त करें और अपने अंदर भी कभी अहंकार ना आने दें, क्योंकि अहंकार से हम नाव पार नहीं कर पाएंगे। ये जो संसार नौका है, संसार का जो भवसागर है, इसमें जो हम नौका से पार करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी उस ज्ञान की जो हमें अहंकार से मुक्त करता है, जो हमें पूरी तरह से अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ऐसे गुरु हमें मिले, परम पूज्य गुरुदेव, परमन्य माता जी, जिन्होंने कि इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया, इतना बड़ा हम सब लोगों के माध्यम से माहौल बना दिया, पूरे देश में, पूरे विश्व में 12-13 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि एक सतयुग आए, एक नवयुग आए, एक युग निर्माण योजना सक्रिय हो, अच्छे अच्छे आंदोलन चलें, अच्छे अच्छे काम करें लोग बाग। जब भगवान का काम करते हैं तो अपने आप सारे अहंकार नष्ट होते चले जाते हैं। भगवान के काम के माध्यम से, भगवान के लगाए हुए इस बगीचे को सुंदर बनाने के माध्यम से हम अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। हमारा अहंकार तब बढ़ता है जब हम सोचते हैं मैंने किया है। ये मैं जो है ये जब आ जाता है तो परमात्मा बीच में नहीं आने देता किसी को भी। परमात्मा स्वयं बीच में नहीं आते, पहले मैं को नष्ट करो, पहले मैं को नष्ट करो, तब तक परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा।
इसीलिए दुर्गति होती है, मैं की वजह से दुर्गति। इतनी दुर्गति हुई रावण की कि रावण का वंश का एक एक व्यक्ति नष्ट हो गया, कोई भी नहीं बचा। कोई अगर ये कह दे कि सब मेरे नाना जी के नाना जी के नाना जी के नाना जी के नाना जी रावण थे, तो उसको मान लेना झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारे नाती पोते सब नष्ट हो गए थे, सब के सब नष्ट हो गए। पूरा पूरी लंका और पूरा रावण के सारे नाती पोते सब पूरा पूरा समुदाय नष्ट हो गया। असुरता को जड़ से नष्ट करना जरूरी है। असुरता जहाँ कहीं भी है, चाहे वो पाकिस्तान में है और चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, उसको जड़ से नष्ट करना जरूरी है। तो इस दशहरे को हम इसी रूप में मनाएं कि हमारे सुरक्षा बलों को और हमारे सैनिकों को बल मिले और वो उस रावण से लड़ने की उनको शक्ति मिले, और उसके पीछे खड़े जो धर्म प्रधान लोग जितने भी हैं, हम सब पूरे भारतवासी, हम उनके बल को आगे बढ़ाएं। खूब खूब मंगल कामनाएं दशहरे की। परम श्रद्धे के माध्यम से हमें इस पर्व का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। परम श्रद्धे यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।